मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बघड़ा गांव में ईंट भट्टा संचालक रजियाउल उर्फ विक्की को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद उसे गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति देखते हुए उसे पटना रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि आरोपी फूफा और घायल उसका भतीजा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दोनों के बीच काफी दिनों से जमीनी विवाद चल रहा था। शनिवार के दिन भी इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें रजियाउल के फूफा ने गोली मार दी। गोली लगने से रजियाउल घायल हो गया। ग्रामीणों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुँचाया। घटना की सूचना मिलते ही SP कांतेश कुमार मिश्रा नगर थाना पुलिस सदर अस्पताल पहुँचे। SP ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिजनेस करते हैं, सिलिंग भट्टा का बिजनेस करते हैं, जहाँ इनका आगे से बिजनेस करते हैं। किनके द्वारा क्या गोली मारा गया है, क्या कुछ पता चल पाया है? राजू के द्वारा मारा गया, राजू सफी इनके द्वारा मारा गया। क्या दुश्मनी पहले से कोई दुश्मनी रहा है या पहले से दुश्मनी सुन ली? पहले से दुश्मनी सुन ली थी। ये हमारी एक बूढ़ी बहन थी, हाँ, उसके साथ इनकी शादी हुई, हाँ, जो बोल नहीं पाती है, हाँ, उसके साथ इनकी शादी हुई। ये उस लड़की को 25 साल से छोड़े हुए हैं, और वो लड़की 25 साल से हमारे पास है, हम उसको खिला पिला रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, हाँ। और वो जो हैं दिल्ली वाले, हाँ, वो भी हमारे बहन भी हैं। ये दोनों आदमी मिलकर हमसे हिस्सा के लिए लड़ रहे थे, अरे हमसे खुल करके नहीं कह रहे थे, खुल कर नहीं कह रहे थे। अगर खुल कर कहते तो मैं इस चीज़ को दे देता। कब की ये घटना पे है, कहाँ पे गोली मारी, कब की ये घटना है, कहाँ की ये घटना? ग्यारह बजे के आसपास पुलिस पहुंची है, कुछ मामला दर्ज हुआ है? मैं पुलिस के पास फोन किया, मुफस्सिल थाना में मैं फ़ोन किया, जैसे हुआ ना 5 मिनट के बाद मैंने फ़ोन किया, हमारे रास्ते भर में पुलिस वहाँ नहीं, हॉस्पिटल आ गया, कौन सी होगी वहाँ अब। ठीक है, अपना नाम बता दें। अतुल्ला आज़ाद। चुनौती कॉपी का मामला है, 28 वर्षीय युवक को आपसी विवाद में गोली लगी। बताया जा रहा है कि गोली चलाई है वो इनका फूफा लगता है। कल यहाँ से रेफर कर दिया गया पटना के लिए, और थाने स्तर से बोल बता दिया गया छापामारी करने के लिए। क्या वजह रहा है गोली, अभी तक तो आपसी ही बात बताया जा रहा है। सर कितने लोग का नाम FIR में नाम अभी आवेदन मिला नहीं है, सिर्फ मौके से बताया गया। कहाँ गोली लगी थोड़ी हमें देखा नहीं, हमें अब तक गोली रेफर हो गया।